दोस्तों आपको पता है ज्यादातर वीडियोस में राजस्थान के अरावली पर्वतों से लाता हूं और यहां पर एक प्रचलन सा है और एक कहावत है या फिर ये जो आपको दिख रहा है सियार और यहाँ पिकॉक्स भी बहुत सारे हैं, तो कहा जाता है कि ये जो पिकॉक्स की संख्या कम होती जा रही है इसके पीछे ये जैकाल भी काफी जिम्मेदार है। तो ये इन पहाड़ियों में पत्थरों के पीछे छिपकर पिकॉक्स के ऊपर अटैक करते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे ही वीडियो ढूंढने आया हूं कि ये पता लगा सकूं कि क्या ये बात सही है। तो हमें कैमरा जूम करने के बाद में काफ़ी दूरी पर, लगभग 700-800 मीटर की दूरी पर एक जैकाल एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है और साइड में देखा आपने भी कि पिकॉक भी है, इसकी नज़र भी उसी के ऊपर है। अब देखते हैं क्या ये उसके ऊपर आक्रमण करता है, अटैक करता है। यदि हाँ तो जो इन क्षेत्रों के आदिवासी जिस बात को कहते हैं वो बात बिल्कुल सही होगी कि इनकी संख्या के घटने के पीछे ये जैकाल भी है। अब देखते हैं हम क्या हमें ये चीज देखने को मिलेगी। ये पहाड़ी का कुछ और भी हिस्सा इधर भी घुमा के मैं आपको बताता हूँ। चारों तरफ खुली आंखों से तो अभी दिखे इधर कुछ सियार बैठे हुए, लेकिन देखते हैं जूम करके क्या कैमरा में भी कुछ दिखता है हमें। ये तो मैं कई बार आपको दिखाता ही हूँ, इन पहाड़ियों में पिकॉक्स तो बहुत भारी संख्या में हैं, लेकिन धीरे 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 वो कम होते चले जा रहे हैं।